हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्टर रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। मैं रिएक्शन करने वाली हूँ एक नए क्रिकेटर पर जो कि अभी आईपीएल में खेल रहा है और बहुत जल्द आई थिंक इंटरनेशनल में भी खेलेगा, क्योंकि बहुत ही चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत धूम धूम है इस क्रिकेटर की। मैं बात कर रही हूँ, थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, ऋतुराज की बात कर रही हूँ। सो लेट्स सी ऋतुराज कैसे क्रिकेट में कैसे एंट्री हुई थी और क्या है। मैंने एक बार रिएक्शन किया हुआ ऋतुराज के एटीट्यूड मोमेंट्स पर। सो नाउ दिस इज हिज स्टोरी के कैसे एंट्री हुई और कैसे सब कुछ हुआ और मतलब सिलेक्शन कैसे हुई आईपीएल में। मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स में से काउंट किया जाता है उनको, स्पेशली चेन्नई सुपर किंग्स में। वो भी एमएस धोनी की टीम में, उनके साथ खेलना की छोटी बात भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ जाकर आप भी मुझे वीडियोज़ वगैरह भेज सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स प्ले द वीडियो और देखते हैं ऋतुराज की एंट्री कैसे हुई थी एंड लेट्स प्ले इट। कौन लेके आया था उनको? दोस्तों, ये बात है साल 2020 के आईपीएल के 13वें सीजन की, जब आईपीएल इतिहास की सबसे हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स खुद को रिवाइव नहीं कर पाई। और वो सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना खराब रहा कि साल अच्छा, वो 2020 हार में कौन वो जीता खुद था को पहली 2020 बार में? टॉप चार में जगह आई थिंक मिल गया। मुंबई जीती होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अपने प्रदर्शन से जूझ रही चेन्नई की टीम ने अंत के कुछ मैचेस में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए हैट्रिक जीत हासिल करी थी। अच्छा, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी चेन्नई का एक उभरता हुआ यंग इंडियन बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज ने की सीजन वजह के से अंत नहीं के कुछ जीती मैचेस में लगातार 3 अर्धशतक के दम पर चेन्नई के दमखम का परिचय पूरी दुनिया को फिर से दिया और ये संदेश सब तक पहुंचाया चेन्नई तो कि पूरी भले दुनिया ही की इस साल सबसे चेन्नई मशहूर की जो टीम भी है यार। स्थिति रही हो, लेकिन अगले साल हम दोबारा वापसी करेंगे। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ जब साल 2021 में टूर्नामेंट के अगले सीजन की शुरुआत हुई। शुरू से ही चेन्नई सुपर किंग्स और ऋतुराज गायकवाड़ उस फॉर्म में नजर आ रहे थे जिसका परिचय उन्होंने अंत के कुछ मैचेस में दिया था। और 2021 के आईपीएल सीजन में ना सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी अपने नाम करी, इस बल्कि दफा भी चेन्नई है के ना सुपरस्टार ऋतुराज प्लेयर ने गायकवाड़ 16 चेन्नई में। मैचेस में पूरे 635 रन बनाकर ओके ऑरेंज कैप को भी अपने नाम किया। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम भारतीय क्रिकेट के इस भविष्य के बारे में ही बात करने वाले हैं। फ्यूचर तो आज की इस ब्राइट वीडियो है। में हम जानेंगे ऋतुराज के उस पूरे सफर को जिससे गुजर कर आज वो यहाँ तक पहुँच सके। तो आईपीएल 2021 के इस हीरो का जन्म 31 जनवरी 1997 को महाराष्ट्र की एक सिटी पुणे में में हुआ। पैदा हुआ था। इनके पिता दशरथ गायकवाड़ एक डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वहीं इनकी माँ सविता गायकवाड़ एक म्यूनिसिपलिटी स्कूल की टीचर है। ओके, सो एक वर्किंग अपर मिडिल पेरेंट्स क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से गायकवाड़ है ना, को शुरू से ही वो एजुकेटेड सुविधाएं बैकग्राउंड मिली है। जो उनको चाहिए थी। और बचपन में प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ गायकवाड़ को क्रिकेट में इंटरेस्ट भी आने लगा। और अपने उन दिनों को याद करते हुए गायकवाड़ बताते हैं कि उन्हें बचपन में पेरेंट्स के द्वारा कभी भी क्रिकेट को छोड़कर पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने के लिए फोर्स नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने फुल इंडिपेंडेंसी के साथ अपने इस पैशन पर फोकस किया। तो यहाँ पर इंडियन पेरेंट्स को एक बात समझनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों को पैशन फॉलो करने देना चाहिए, एग्जैक्टली क्योंकि अभी के समय में हर फील्ड में इतनी सबको सारी समझना चाहिए अपॉर्चुनिटीज यार। हैं जिसके जरिए आपके बच्चे किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ अपने क्रिकेट के पैशन को फॉलो करते हुए 13 साल की उम्र में ऋतुराज ने पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में स्थित वैरॉक वैंग सरकार क्रिकेट अकेडमी को ज्वाइन किया और लगातार प्रैक्टिस की साल मदद की से एज में खुद को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार किया। उसके बाद फिर ऋतुराज ने महाराष्ट्र की स्टेट टीम के लिए खेलना भी शुरू कर दिया। और ये बात थी 6 अक्टूबर 2016 की, जब ऋतुराज ने 2016 रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से खेलते हुए अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। ओके, इसमें उन्होंने 2016 में डेब्यू हुआ और इसके था। कुछ ही महीने बाद 2 फरवरी 2017 को उन्होंने इंटर स्टेट 2020 टूर्नामेंट के जरिए अपना T20 डेब्यू भी महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए ही किया। लेकिन उस वक्त तक ऋतुराज का प्रदर्शन उतना इंप्रेसिव नहीं था, बावजूद इसके उन्हें चांसेस मिलते रहे और अपने इन चांसेस का भरपूर फायदा उठाते हुए साल 2019 के रणजी ट्रॉफी सीजन में महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की तरफ से छत्तीसगढ़ के विरुद्ध ओपनिंग करते हुए ऋतुराज ने पहली पारी में ही 108 रन और दूसरी पारी में 76 रन बनाकर न सिर्फ ये तो मैन ऑफ द बड़ा मैच अच्छा हो का गया अवार्ड फिर, जीता 108 बल्कि और अपने टैलेंट 76 को दुनिया के सामने भी रिप्रेजेंट किया, जिसका फायदा ये हुआ कि इंडिया ए तब टीम में तब उनका सिलेक्शन ऋतुराज हुआ। और नजरों में साल आ दो हजार गया। उन्नीस में इंडिया ए वर्सेस श्रीलंका ए के बीच हुए मुकाबले में इंडिया ए ने टोटल 317 रन बनाए, जिसमें से 187 रन तो अकेले ऋतुराज गायकवाड़। अच्छा, वो इंडियन और टीम इंडियन में टीम खेला की है। जर्सी पहनने की चाह रखने वाले किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए ये बहुत गर्व। अच्छा, मुझे लगा भी आईपीएल और में इसी वजह से ऋतुराज भी बहुत खुश थे। इसके बाद ऋतुराज को 2019 दिलीप ट्रॉफी और 2019 देवधर ट्रॉफी में भी खेलने का मौका मिला। लेकिन इसी क्रम तो में मतलब दिसंबर चांसेस मिले, 2018 में ही दुनिया वाज की लकी सबसे इनफ टू बड़ी गेट टी20 चांसेस। लीग आईपीएल की एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज के टैलेंट को पहचाना और 20 लाख के ऑक्शन प्राइस में साल 2019 के आईपीएल सीजन के लिए उन्हें खरीद लिया। लेकिन 2019 के उस सीजन में ऋतुराज को चेन्नई की तरफ से खेलने का मौका ही नहीं मिल पाया।
और फिर उसके अगले सीजन यानी कि 2020 में जब चेन्नई की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, 2020 से फिर प्लेयर्स को रोटेट किया जा रहा था और इसी बीच ऋतुराज को भी कुछ मैचेस खेलने का मौका दिया गया, लेकिन शुरू के कुछ मैचेस में ऋतुराज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा जिस वजह से उन्हें कुछ मैचेस के लिए ड्रॉप भी किया गया। लेकिन जब दोबारा उन्हें खेलने का मौका मिला तब उन्होंने इस मौके को नहीं गवाया और उसका परिणाम आज आप सबके सामने है। दोस्तों इन सब के अलावा अगर हम बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की इंटरनेशनल क्रिकेट से, दो साल पहले की वीडियो है, आप तो मजीद अचीवमेंट होंगे ना, के खिलाफ खेले जाने वाली ओडीआई और टी20 मैचेस की सीरीज के लिए इंडियन स्क्वाड में ऋतुराज के नाम को शामिल किया गया था और एक ओपनर बैट्समैन के तौर पर उन्होंने अपना टी20 डेब्यू भी किया जिस मैच में उन्होंने 18 गेंदों में 21 रन बनाए थे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, ऋतुराज गायकवाड़ तो भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं जिन्हें अभी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाने और तोड़ने। यंग जो क्रिकेटर्स है ना इंडिया के, वो बहुत टैलेंटेड आ रहे हैं आगे जितने भी हैं। जैसे आईपीएल की एक वीडियो, मतलब एक मैं वीडियो जब मैंने रिएक्शन किया था इंडियन क्रिकेटर्स एटीट्यूड का, उसमें आईपीएल की जो वीडियो आ रही थी उस वीडियो में जो यंग क्रिकेटर्स थे वो इतने यंग क्रिकेटर्स भी थे। सो आईपीएल में उनकी बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग हो जाती है, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत अच्छे निखर के फिर आ जाते हैं। सो इंडिया का बैकअप भी बड़ा अच्छा है, इंडिया की करंट टीम भी बहुत अच्छी है। सो इंडियन क्रिकेटर्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं, कह नहीं सकते मतलब ऑब्वियसली दे आर। और जो ऋतुराज की बात करूँ तो आईपीएल के अलावा इंटरनेशनल में भी ऋतुराज ने खेला है और मुझे भी पता चला है, मैं समझ रही थी शायद सीएसके में खेला है, तो ऐसे ही पता चलता है वीडियोस देख के। सो ये एक दो साल पुरानी वीडियो थी, इसका मतलब आप कुछ और अचीवमेंट्स भी होंगी, आप कुछ और भी किया होगा ऋतुराज ने। सो लाइक 2020 का आईपीएल, 2021 का आईपीएल, 22 एंड 23 का भी तो खेला ही होगा, कुछ ना कुछ तब भी हुआ ही होगा। सो लेट्स सी मज़ीद मैं नेक्स्ट रिएक्शन किस पे करती हूँ और कौन से क्रिकेटर पे करूँ, ज़रूर सजेस्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिक्स इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। कीप सजेस्टिंग मी अमेजिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियोज़ और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।